यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि अंतरिक्ष तक पहुँचने के लिए व्योम पर्वत को पार करना होगा। और हाँ, जब दिन में भी कुछ ना दिखे तभी अंतरिक्ष का दरवाजा हमें दिखाई देगा। व्योम पर्वत? पर वो तो सिर्फ किस्से कहानियों का हिस्सा है। और सारी कहानियों में यही लिखा है कि व्योम पर्वत को पार करना नामुमकिन है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, पर हाँ, अंतरिक्ष तक का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, जब दिन में भी कुछ ना दिखे तब अंतरिक्ष का दरवाजा नजर आता है, दिन में सब कुछ दिखना बंद कैसे हो जाएगा? लगता है हम सब अंधे हो जाएंगे। तो फिर हमें अंतरिक्ष का दरवाजा कैसे नजर आएगा? ये जरूर कोई पहेली है। इस पहेली को हल किए बिना ना ही हम अंतरिक्ष के दरवाजे को देख पाएंगे और ना ही सिम्बारा को रोक पाएंगे। काश धोनी बाबा हमारे साथ होते तो इस पहेली का हल हमें झट से बता देते। वो जहाँ भी है हमारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों जाना चाहते हो? मैं हूँ भीम और ये है मेरे दोस्त कृष्णा, राजू, चुटकी, जग्गू, कालिया और ढोलू भोलू। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। दरअसल जिम्बारा नाम के एक राजा के हाथ अंतरिक्ष की चाबी लग गई है। हम उसको रोकने के लिए अंतरिक्ष जाना चाहते हैं। पर हमें ये नहीं पता कि हम उस दरवाजे को नष्ट कैसे करें, क्योंकि हमने सुना है कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। अंतरिक्ष के दरवाजे नजर आते हैं, जब दिन में भी सब कुछ दिखना बंद हो जाए तब उस दरवाजे को देखा जा सकता है। क्या दानवों का जंगल शैतान के श्राप से मुक्त हो गया है? हाँ, और अब व्योम पर्वत की बारी है। दिन में भी कुछ ना दिखे ऐसा तब ही हो सकता है जब सूरज को ढक दिया जाए, पर व्योम पर्वत पर कभी सूर्य ग्रहण नहीं होता है। हमने पूरे झुंड के साथ उड़कर सूरज को ढकने की कोशिश की, जिसकी हमें ये सजा मिली। जिसके पास अंतरिक्ष की चाबी है उसके पास व्योम पर्वत के ऊपर सूर्य ग्रहण करने की ताकत भी होती है। और अंतरिक्ष की चाबी जिम्बारा के पास है। धोनी बाबा, क्या हुआ आपको? आप यहाँ कैसे आए? भीम तक मेरा संदेश पहुँचाने का शुक्रिया कृष्णा। मेरी चिंता मत करो भीम, और ये सोचो कि हम जिम्बारा को कैसे रोकेंगे। वो कल सुबह तक यहाँ चाबी लेकर जरूर पहुँच जाएगा। मेरा जहाज नष्ट हो गया, सारी सेना खत्म हो गई, पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। सिम्बारा हार नहीं मानेगा। अंतरिक्ष की चाबी अभी भी मेरे पास है। चीन के वो शैतानी ताकत, शैतानी ताकत, काले जादू पे करेगा राज, करेगा राज, सब लोगों का होगा विनाश, होगा विनाश। लगी चाबी जो जिम्बारा के हाथ, जिम्बारा के हाथ, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा, छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। We'll be right back.
छुप जाओ और कल के हमले के लिए तैयार रहना। अगर तुम सबने जिम्बारा के सिपाहियों को यही रोक लिया तो वियोम के ऊपर हमें सिर्फ जिम्बारा से निपटना होगा। आप चिंता न करें, अम्बील के सैनिकों का निशाना कभी नहीं चूकता। सब लोग अपनी अपनी जगह ले लो, हम सब डट कर जिम्बारा की सेना का सामना करेंगे। कल हम सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लड़ेंगे। तुम सबको रास्ता दिखा रहे हो और मैं यहाँ पीछे से सबका ध्यान रख रहा हूँ। बाकी है। जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो कालिया, झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? इससे तो कागज खाली अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ बड़े आए। ठीक है,